व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज है 20th of April और मैं निकला हूँ किसी काम से। हुआ क्या कि एक तो पहले यार आज बहुत बढ़िया एक चीज़ आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर इवनिंग तक आ गई तो मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा, नहीं तो हो सकता है कल की वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी आपको थंबनेल से पता लग ही जाएगा कि वो आज की वीडियो में आएगी या कल की वीडियो में आएगी। सो उससे पहले आपको बता दूँ, अभी आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा कि मैं गया था चंडीगढ़ फैमिली फंक्शन के लिए। तो हुआ क्या कि मेरी वॉच वहाँ पर रह गई और मेरे पास एक ही अच्छी वॉच है, तो वहाँ से कोई आ रहा था तो मैंने उनको बोला कि यार आप आ रहे हो तो मेरी वॉच ले आओ। वो वॉच आ गई थी, तो वो पड़ी है द्वारका में। तो आज मेरी थी छुट्टी, तो आई डिसाइडेड कि चलो द्वारका चलते हैं, व्लॉग भी बन जाएगा, द्वारका भी घूमाएंगे और थोड़ा सा बाहर तफड़ी तुफड़ी भी हो जाएगी और जो मेरी चीज़ आनी थी उसका अच्छे से व्लॉग बना पाऊँगा। तो होता क्या है कि सिर्फ वो चीज़ दिखाने में मज़ा नहीं आता, तो अच्छा लगता है कि हम थोड़ा सा आसपास ट्रैवल करके, क्योंकि देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं बाइक पे ट्रैवल अभी नहीं कर पाता, बट वेरी सून बाइक पे भी ट्रैवल शुरू कर दूंगा। दिल्ली जैसी लोकेशन के अंदर ना आपका घर से निकलते ही सबसे पहले आपको मिलेगा रेड लाइट और जाम, वो आपका हर जगह पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मेरा भी यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था, अब मैं आया तो जैसे ही मैं पहुँचा इन्होंने रेड लाइट कर दी। तो अभी मैं फंसा हुआ थोड़ा सा जाम में, जल्दी से जाम क्लियर होता है ना तो फिर आगे निकलते हैं। और अभी मेरे को मम्मी ने बताया था, मेरे को भी याद नहीं था अच्छे से। मेरे ब्रदर ने, जिनके घर जा रहा हूँ, उन्होंने नया घर लिया है, तो जाते हुए कुछ बढ़िया सी मिठाई लेके जाते हैं। और हमारे नन्हे से न्याणे की भी मिठाई नहीं भेजी थी वहाँ पे, तो वो भी लेके जाएंगे। अभी चलते हैं कोई नियरेस्ट स्वीट शॉप ढूंढता हूँ, फिर उसके बाद आगे जाके देखते हैं। अभी मैं FM सुन रहा था, तो वो भी बता रहे थे कि आप जैसे ही कहीं ऑफिस से, अगर कहीं से बाहर जा रहे हो ना, तो अपने आप को पहले थोड़ी देर 5 से 7 मिनट ऐसी जगह पे रखो अपने आप को जहाँ पे AC ना हो। जैसे सपोज़ आप ऑफिस से बाहर निकले, ऑफिस में आपके ठंड है बहुत ज़्यादा, आप बाहर आए सीधा धूप में जाने से अच्छा है कि एक बार पहले आप 5 से 7 मिनट नॉर्मल छाँव में खड़े हो जहाँ पे धूप ना आ रही हो, तो उससे क्या होगा, गर्म सर्द नहीं होगा। My little brother Mani, his name is Tejvir. मेरा नाम है ना, इसका नाम है मनवीर। चलो आज आज का इतना, तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रदर के घर से आ गया हूँ, अच्छा टाइम पास किया हमने, गप्पे मारी। तो जो मैंने आपको कहा था कि आज एक चीज़ आने वाली है, वहाँ से मुझे कॉल आ गई है, जहाँ से जो जिनसे मंगवाई थी मैंने, और वो चीज़ आ गई है। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ लेने के लिए। शूज़ हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से राइडिंग शूज़ लेना चाहता था लेकिन कभी चांस नहीं बन रहा था। देन आज मैंने डिसाइड किया कि फटाफट ऑर्डर किए और मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है आपको शाम तक मिल जाएंगे। और हमारे शूज़ आ गए हैं, आपने देखे होंगे ओराज़ो के, बहुत बहुत बढ़िया राइडिंग शूज़ है। इस प्राइस रेंज के ऊपर इससे बढ़िया राइडिंग शूज़ कोई नहीं है। तो फटाफट से जाते हैं शॉप, वहाँ से लेके आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं, एक बार पहन के भी दिखाते हैं।
यो दोस्तों, फाइनली हमारा सामान आ गया है। अगर आपको देख के यहाँ पता लग गया होगा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ओराजो के राइडिंग बूट्स हैं। तो फटाफट से घर चलते हैं और इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हैं, कौन सा मॉडल है और पाने में कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मैंने पहले ट्राई तो करे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन आपको भी दिखाएंगे और मैं आपको एक नंबर भी डाल दूंगा जहां से उनसे बात करके आप मंगवा सकते हो, बहुत अच्छा रेट आपको मिलेगा। कितने का है यहां पे मैं नहीं बता सकता, बट आप उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हो, बहुत बढ़िया रेट मिलेगा। तो फटाफट से चलते हैं घर पे और इसको करते हैं अनबॉक्स। तो मैं ना बहुत खुश हूँ, बहुत टाइम से वेट कर रहा था इसका, तो फाइनली आ गए। काफ़ी हैवी बॉक्स है। इसका मॉडल नंबर है ओराजो पिकर VWR। तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और एक नंबर भी डाल दूंगा जहां से आप परचेज कर सकते हो। तो फटाफट से टाइम वेस्ट करे बिना इसको पहले ओपन करते हैं और एक बार इसको पैन के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलो फटाफट से ओपन करें। हैप्पी बर्थडे टू मी। खुल जा। पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है शू केयर इंस्ट्रक्शन, कि इसकी किस तरह से यूसेज करनी है, किस तरह से इसको इसकी प्रोटेक्शन रखनी है। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देख लो ऐसा शूज़ का डब्बा, बिल्कुल बहुत अच्छी पैकिंग है। अंदर ये रैपर है, इसको निकाले तो अब एक बार देखो यहाँ से, ये देख लो एक बार शूज़, बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की हुई है यहाँ पे। ये पूरा स्टील टो है और आप अगर देखो तो यहाँ पे भी स्टील टो है, अगर देखो तो ये पूरा स्टील टो है। आवाज़ देखो कैसे आ रही है। तो ये पूरा स्टील टो है, ये पूरी प्रोटेक्शन है। यहाँ पे भी काफ़ी हार्ड है पैडिंग और अंदर से भी काफ़ी अच्छी पैडिंग है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप बाई चांस, भगवान ना करे, अगर बाइक राइड करते हुए अगर आप कोई गिरता है तो पैर पे नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। तो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन है ये है। ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पे आगे ओराजो की, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ओराजो की ब्रांडिंग है, यहाँ पे उनका लोगो है, यहाँ पे ओराजो की ब्रांडिंग है, इधर भी ओराजो की ब्रांडिंग है। नीचे देखें तो नीचे भी ओराजो की ब्रांडिंग है, दैट मीन्स कि सोल इनका अपना है। यहाँ भी कुछ लिखा है, क्या लिखा है मुझे नहीं पता लगा। ऑयल रेजिस्टेंट, तो मींस कि ऑयल पे आई थिंक स्लिप नहीं होगा अगर ऑयल पे जो होते, तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से टाइम वेस्ट करे बिना ना एक बार इनको पहन के देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे लग रहे हैं कंफर्टेबल के मामले में, कंफर्टेबिलिटी के मामले में कैसे हैं। अगर मैं बात करूं ना तो ये ऐसे लग रहे हैं कि इसको मैं नॉर्मली भी पहन सकता हूं, स्टाइलिश लग रहे हैं और कंफर्ट के मामले में बहुत सही हैं। क्योंकि जो दूसरे आते हैं जैसे अल्पाइन स्टार की बात करें, लेकिन खैर उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसकी बात करें या रॉयल इनफील्ड वालों की बात करें, उसमें क्या है कि वो बहुत ज़्यादा, वो यहाँ तक हाई एंकल आ जाते हैं, तो वो थोड़े से अनकम्फर्टेबल लगते हैं। बट ये बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छे फिटिंग में आए हैं। तो एक बार अच्छे से देख लो। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर आप बाइक राइड करते हो, ट्रैवल करते हो, देन आई विल ऑलवेज प्रेफर कि प्रोटेक्शन के मामले में, गियर्स के मामले में आप बिल्कुल टॉप नॉच रखो अपने आप को। हालांकि ये बहुत टॉप नॉच नहीं है, इससे भी एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन इस रेंज में इससे बेस्ट और क्वालिटी और सेफ्टी कोई नहीं है। तो मेरी तरफ से बिल्कुल इसके लिए थम्स अप है। आप अगर लेना चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक भी डाल दूंगा, और अगर अच्छे प्राइस पे लेने हो और अगर आप दिल्ली से हो
तो मैं एक किसी का नंबर डालूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके आप ले सकते हो, अच्छा प्राइस आपको देंगे, बाकी अमेज़न से बहुत अच्छा प्राइस देंगे। तो अब मुझे जाना है कहीं काम से, क्योंकि मेरा ना स्पेक्स जो उनसे हैं कंप्यूटर ग्लासेस वो मेरे टूट गए हैं, अब वो लेने के लिए मुझे जाना है। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको, अगर ये शूज़ अच्छे लगे हैं और आपके पास भी हैं तो भी कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय।